शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की शाम सीएम आवास से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया। केजरीवाल की रात ईडी की लॉकअप में कटी। बता दें कि आज केजरीवाल को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई के कारण है, यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वाश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है।